असलम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम गोल 17, द लास्ट ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीज ट्रूली क्योंकि इस गोल में पार्टनरशिप्स की बात की गई है जो कि पिछले 16 गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं पार्टनरशिप इज द की वर्ड हेयर पार्टनरशिप्स बिटवीन गवर्नमेंट्स दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की गवर्नमेंट्स के दरमियान पार्टनरशिप्स गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं एक कंट्री के अंदर वहाँ पे पार्टनरशिप्स और उस मुल्क के अंदर जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं या सिविल सोसाइटी है उनकी आपस में और गमेंट के साथ पार्टनरशिप्स की बात हो रही है गवर्नमेंट्स के दरमियान पार्टनरशिप्स जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर क्योंकि ये ग्लोबल गोल्स हैं और उनको अचीव करने के लिए ग्लोबली एक एफर्ट की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट्स के दरमियान पार्टनरशिप से यहाँ क्या मुराद है गवर्नमेंट्स के दरमियान पार्टनरशिप से मुराद डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के दरमियान कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी जैसा कि हम जानते हैं प्रोग्रेस की एक ख़ास लेवल जो है वो अचीव कर चुके हैं और उनमें से कईयों ने ये लेवल जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिसोर्स को माजी में कॉलोनियल हेरिटेज या जिस भी वजह से उनको एक्सप्लॉयट करते हुए हासिल किया है अब जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतने रिसोर्स नहीं बचे और जो बचे हैं उनको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो फर्दर डिप्लीट या एक्सप्लॉयट ना हो मैनिपुलेट ना हो बल्कि उनको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचाया जा सके ऐसे में डेवलप्ड कंट्रीज़ की कुछ ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ बनती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ के कुछ राइट्स बनते हैं या कुछ एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके हकूक बनते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड के ऊपर ये जो ऑब्लिगेशंस और राइट्स हैं इनको थ्रू इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है वो डिलीवर किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियल और टेक्निकल इमदाद फ्राहम करते हैं जिसके ज़रिए से डेवलपिंग कंट्रीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट और एफर्ट्स करते हैं ये डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है ये टेक्निकल भी हो सकती है यानी कि ट्रेंड ह्यूमन पर्सोनल की बात हो सकती है एडवाइस जैसे यूएन के फोरम से लेकिन इसका यहां पर इस गोल के हवाले से जो मेन मकसद है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है हमने पिछले सेशन में बात की थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कम अज कम 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर ईयर चाहिए तो ये कहाँ से आएंगे डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स के पास तो ये रिसोर्स नहीं है इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साइन और अडॉप्ट करते हुए कमिट किया कि वो अपनी ग्रॉस नेशनल इनकम का पॉइंट सेवन परसेंट जो है वो एज as असिस्टेंस या एड डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे और वो एड या वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो सिक्सटीन एरियाज़ हैं उनको अचीव करने के लिए खर्च की जाएगी तो इस वक्त सिचुएशन क्या है इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप्स बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो 2021 में हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थी तकरीबन 177 बिलियन डॉलर्स। प्लीज रिमेंबर हमें 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं पर ईयर कम से कम चाहिए ज़्यादा 5 टू 7 ट्रिलियन डॉलर्स के एस्टीमेट भी हैं तो 2.25 ट्रिलियन डॉलर्स के जो डिमांड्स हैं उसके मुकाबले में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो फ्राहम कर रहे हैं 177 बिलियन डॉलर्स तकरीबन थर्टी थ्री परसेंट ऑफ देयर ऑब्लिगेशन अभी वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनका परसों छोड़ दें नहीं बल्कि ऐसे में बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर जैसे सिविल सोसाइटी खासतौर पर सोशल एंटरप्रेन्योर्स, उनका रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं जाहिर है वो तो खुद रिसोर्स कंस्ट्रेंड होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स ने पार्टनरशिप्स को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया के इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे कैटलिस्ट ट्वेंटी थर्टी कहते हैं आपके कोर्स नोट्स में उसके बारे में लिंक्स और इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको एक्सप्लोर कीजिएगा पूरी दुनिया से सोशल एंटरप्रेन्योर्स इकट्ठे हुए हैं कि वो जिस भी तरह एक दूसरे को अपनी अपनी गवर्नमेंट्स को और इंटरनेशनली यूएन को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जिस तरह से भी सपोर्ट कर सकें वो करेंगे थैंक यू